कोठारी महाराज, ये बात आपकी नजरों से बाहर तो नहीं होगी, फिर भी बताना चाहता हूं। अवश्य हीरा भाई, बताइए। कोठारी जी, बात यह है कि गोंडल में अक्षर देरी पर मंदिर बनाने की हलचल फिर से शुरू हो गई है। मथुर भाई, उसकी चिंता तुम मत करो। जय स्वामी नारायण कोठारी महाराज। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। ओह, देखिए ये नारायण दास स्वामी आ गए। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। आइए आइए, बैठिए बैठिए, सब बैठिए। हाँ तो नारायण दास जी, सत्संग हेतु आपका विचरण कैसा चल रहा है? आपके प्रदेश में क्या कोई नए मंदिरों के बारे में बातचीत चल रही है? जी भीम जी कोठारी, कि गोंडल के गुणातीतानंद स्वामी के स्मृति स्थान अक्षर देरी पर मंदिर बनाने का संकल्प किया है। गोंडल के राजमिस्त्री धर्मशीवाला के पास उसका नक्शा भी बनवाया है, और हाँ, उसका जरूरी आर्थिक बंदोबस्त करने के लिए ये सब हरिभक्त तत्पर ही हैं। तो गोर्धन दास जी, पैसे के मामले में आपको तनिक भी चिंता नहीं रहेगी। नारायण दास, मेरी चिंता आप मत करो, परंतु अक्षर देरी पर मंदिर निर्माण के बारे में हमें कुछ विचार करना पड़ेगा। कोठारी जी, आपकी बात दिल और दिमाग दोनों को कबूल ना हो ऐसी लगती है। अक्षर देरी पर मंदिर बनाने के विषय में विचार करने की क्या आवश्यकता है? अबे सिंह, आपके दिमाग में ये सवाल उठता है क्योंकि आप खिड़की में से आकाश देखते हो, और कोठारी गोर्धन दास जी मैदान में खड़े रहकर आकाश देखते हैं। क्या मतलब? मतलब साफ है, यदि गुणातीतानंद स्वामी के देहोत्सर के स्थान पर मंदिर किया गया तो भगवान स्वामीनारायण के तो 500 परमहंस थे, क्या सभी के स्मृति स्थान पर मंदिर बनाना मुमकिन होगा? इसलिए ये बात तर्कसंगत नहीं लगती है। अविवेक माफ करना भीम जी कोठारी, परंतु सम्मान के समय सभी को समान नहीं गिना जाता है। जिनका जैसा प्रदान और पहचान, वैसा उनको मान और सम्मान दिया जाता है। ठीक कहा, खिलाड़ी अनेक होते हैं परंतु स्वर्ण चंद्रक एक ही होता है, और जो श्रेष्ठ होता है उसके गले में पहनाया जाता है। तो क्या आपका कहना यह है कि श्री जी के 500 परम हंसों में गुणातीतानंद स्वामी श्रेष्ठ थे? नहीं भीम जी कोठारी, ये हमारा कहना नहीं है, ये तो स्वयं श्री जी महाराज ने ही कहा है। और वो भी एक बार नहीं, अनेक बार। आप तो कोठारी हैं, हमसे ज्यादा तो आपको पता होगा। जरा याद करो गुणातीतानंद स्वामी का वो दीक्षा प्रसंग ही। क्यों? क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि श्रीजी महाराज के परम हंस 500 थे, पर गुणातीत तो एक ही थे। उनको दीक्षा देते समय ही श्रीजी महाराज ने कहा था कि भादरा के यह मूलजी शर्मा हमारे रहने का अक्षरधाम है, और भविष्य में गुणातीतानंद नाम से विश्व विख्यात होंगे। भीम जी कोठारी, अब आप ही बताइए, क्या ऐसी महिमा स्वामी नारायण भगवान ने और किसी भी परमहंस की बताई है? क्या किसी को अक्षर ब्रह्म कहकर पुकारा है? और कोठारी गोर्धन दास जी, आपने तो आदि आचार्य रघुवीर जी महाराज से ही सुना है कि गुणातीतानंद स्वामी स्वयं अक्षर ब्रह्म है, तो आप क्यों साक्षी नहीं दे रहे हो? और इतना ही नहीं, गोपालानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी, शुकानंद स्वामी जैसे समर्थ और वरिष्ठ परमहंसों ने भी तो यही कहा है। यदि हम गुणातीतानंद स्वामी को 500 परमहंसों में श्रेष्ठ नहीं मानेंगे, तो यह गोपालानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी आदि की जीभ को कुचलने जैसा कुकर्म होगा। कुकर्म? अरे, स्वयं श्री जी महाराज के वचन पर पैर रखने जैसा ये अपराध बनेगा। इसीलिए गुणातीतानंद स्वामी के देहोत्सर्ग के स्थान अक्षर देरी पर मंदिर बनाना बिल्कुल सही है। अरे तुम लोग छोटे मुंह बड़ी बातें मत करो, आपको तो अपना अपना घर चलाना है और हमें पूरी संस्था का ख्याल रखना है, समझे? भीम जी भाई, हम भी घर के साथ राज्य चलाते हैं, हमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अबे सिंह, लगता है आप अपनी औकात भूल रहे हो, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। भीम जी भाई, नतीजा अच्छा हो या बुरा, अबे सिंह, लेकिन स्वामी जी, अबे सिंह शांत रहो,
शांत रहो। कोठारी महाराज, आप भी शांति बरतें। आप जरा गुणातीतानंद स्वामी का कार्य भी तो देखो। उन्होंने हमारे इष्ट देव भगवान स्वामी नारायण की सर्वोपरिता का जैसा उद्घोष किया है, वैसा किसने किया है? बिल्कुल ठीक बोले। अरे मेरा ही उदाहरण ले लीजिए। हम ऊना के वणिक शेठ, हम स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायी बने, वो तो सस्से के सिर पर सिंह हो ऐसी बात समझ लो। लेकिन गुणातीतानंद स्वामी ने ही हमें भगवान स्वामी नारायण की सर्वोपरि निष्ठा दृढ़ कराई है। और कितनी हद तक ये दृढ़ता करवाई है, ये जानना हो तो पूछ लो ये उपलेटा के लाला भाई को। लाला भाई, आपकी वो घटना सुनाओ तो जरा। एक बार ऐसा हुआ कि मैं चैन से सो रहा था। लाला भाई, किसने पुकारा? मुश्किल से नींद के लिए वक्त मिलता है, तब कौन आ गया? लाला भाई, जय स्वामी नारायण। कौन हो आप? आपका नाम? लाला भाई, अतिथि से काम की बात पूछो। कोई बात नहीं, बोलिए क्या काम है? लाला भाई, काम तो कुछ बड़ा नहीं है, बस दो गज कपड़ा चाहिए। अच्छा, आपका काम हो जाएगा, मगर मुझे थोड़ा समय दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको देने से पहले मुझे मेरे गुरु को पूछना पड़ेगा। क्यों? अरे भाई, ऐसी छोटी सी बात में भी गुरु को बीच में क्यों ला रहे हो? अरे भाई, बीच में लाने की बात कहाँ है, वे पहले से ही मेरे जीवन के मध्य में ही हैं। मेरा कुटुंब, मेरी मिलकत, मेरी जमीन, सब कुछ उनका ही है। इसीलिए किसी को देने से पहले मैं हमेशा उनको पूछता ही आया हूँ। अरे, ऐसे कौन है तुम्हारे गुरु? गुणातीतानंद स्वामी। हाँ, उनको पूछे बिना कुछ नहीं होगा। लाला भाई, तुम किसको ना बोल रहे हो पता है तुम्हें? आपको ख्याल रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ। वो तो पहले ही मैंने आपसे पूछा था, मगर आप अपना नाम नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा? मैं इंद्र हूँ, देवाधिदेव इंद्र। आपको मेरा परिवेश देखकर मालूम हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। माफ करना इंद्रदेव, मगर हम वस्त्र आभूषण से ज्यादा व्यक्ति को पहचानना जरूरी समझते हैं। अरे ए किसान, मुझे ज्ञान की बातें करना छोड़ दे, जो कहा वो कर दे, वरना आज के जैसी कल नहीं रहेगी। युवराज, ऐसी पहुंच बाहर की बातें मत करो, जो होता है वो भगवान स्वामी नारायण की मर्जी के मुताबिक ही होता है। चलो अब मुझे सोने दो। और हाँ, आप भी बहुत दूर से आए हो तो आप भी थक गए होंगे, क्या आपके लिए भी खटिया बिछा दूँ? अरे तू मेरी खटिया बिछा दे, उससे पहले तो मैं तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। देवराज, हम तो गुणातीत गुरु की पनाह में बैठे हैं, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। लाला भाई, अभी भी चेहरे पे नूर है, तब तक समझ जाओ तो अच्छा रहेगा, वरना मैं 12 मेघ बरसाकर तुम्हें और तुम्हारे सारे उपलेटा गांव को तहस नहस कर दूंगा। इंद्र, पाप से नहीं होगा। क्यों? इंद्र, मैं आगे भी कह चुका हूँ कि ब्रह्मांड के कर्ता हर्ता मेरे भगवान स्वामी नारायण है। आपसे यदि जो उपलेटा डूब सके तो आप डुबा सकते हैं। अच्छा, अब तो तुझे तेरा स्थान दिखाना ही पड़ेगा। जैसी आपकी इच्छा। देख ले स्वामी। अरे भाई बचाओ, बचाओ कोई, मेरी झोपड़ी पानी में बह जाएगी। अरे भाई बचाओ। ए भगवान, क्या करूं? क्या तांडव मचाया है? कोई है? अरे भाई, क्या करूं? मेरा ये प्यारा। अरे रड़ छोड़ लीलाधर, घबराओ मत। लेकिन लाला भाई, ये बाढ़ अचानक कहाँ से आ गई? ये आफत की बिजली कहाँ से गिरी लाला भाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करें, अब कहाँ जाए लाला भाई? चिंता करने की जरूरत नहीं है रणछोड़, पर चलो
हम स्वामी नारायण भगवान को याद करते हैं, वे जरूर हमारी रक्षा करेंगे। स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण। कोठारी महाराज, देखी ना लाला भाई की निष्ठा। श्रीजी महाराज का ऐसा सर्वोपरि निश्चय गुणातीतानंद स्वामी ने हजारों के जीवन में दृढ़ कराया है। जी हाँ, ऐसा सर्वोपरि सत्संग गुणातीतानंद स्वामी ने 700 से अधिक गांवों में फैलाया है। वे जहां जहां गए वहां वहां झाड़ फूंक यानी कि दोरा धागा, जंत्र मंत्र, ओझा, भगत यानी भुआ, जागरिया आदि में किसी को अंधश्रद्धा नहीं रही है। सब स्वामीनारायण भगवान को सर्वोपरि समझकर उनकी भक्ति करते हैं। अरे, मेरे जैसे तार्किक को भी अपने पवित्र जीवन से उन्होंने भगवान स्वामी नारायण की सर्वोपरि निष्ठा दृढ़ कराई है। इतना ही नहीं भीम जी भाई, भगवान स्वामी नारायण की सर्वोपरिता का हर हमेश उद्घोष होता रहे, इसलिए उन्होंने अचिंत्यानंद ब्रह्मचारी के पास श्री हरि लीला कल्पतरु नाम के ग्रंथ की रचना भी करवाई है। मंदिरों में अवतारों के जयनाथ से पहले अवतारी श्रीजी महाराज का जयनाथ भी उन्होंने ही शुरू करवाया है। इस विगत से तो हम सब अवगत हैं। इसलिए गुरुधन दास जी, मुझे तो लगता है कि अक्षर देरी पर पत्थर तो क्या, स्वर्ण का मंदिर होना चाहिए। ऐसी अद्भुत महिमा है अक्षर देरी की। और तो और, उस मंदिर में हीरे जड़े तो भी गुणातीतानंद स्वामी का ऋण अदा नहीं होगा। अभय सिंह, मन में महिमा समझना एक बात है और व्यवहार करना अलग बात है। हमें सिर्फ बातें नहीं करनी है परंतु संस्था का भी संचालन करना है। अरे, जिससे विवाद खड़ा हो वैसा करने से क्या फायदा। इसीलिए आप सब अक्षर देरी पर मंदिर बनाने की ये बात छोड़ दीजिए, क्योंकि उसी में सबका भला है। पर गोर्धन भाई, आप समझिए, जो सर्व स्वीकृत हकीकत है उसके बारे में विवाद को अवकाश ही कहां है। नारायण दास जी, अब आगे ना तो आप सोचिए और ना ही कुछ बोलिए। अक्षर देरी पर अक्षर पुरुषोत्तम का मंदिर नहीं होगा, यह मेरा फरमान है। गोर्धन दास जी, सत्ता को सत्य के सामने झुकना ही पड़ता है। सत्य कभी सत्ता के सामने नहीं झुकता। आप हमें अक्षर देरी पर एक शिखर का मंदिर बनाने से रोक रहे हो, मगर आने वाले समय में मैं इस अक्षर देरी पर 3 शिखर का मंदिर देखता हूं। जो स्वर्ण है वो स्वर्ण साबित होकर ही रहेगा। बराबर है, जो श्रेष्ठ खिलाड़ी है उसके गले में स्वर्ण चंद्रक आकर ही रहेगा। भीम जी भाई, तुम घड़ी की सुई को पीछे घुमा सकते हो, समय को नहीं। इस प्रकार तुम मंदिर निर्माण की गतिविधियों को रोक सकते हो, अक्षर देरी की महिमा को नहीं। जी हाँ, पवन को आज तक कौन कैद कर सका है। कोठारी महाराज, दिए को उल्टा करने पर भी ज्योति तो ऊपर ही उठती रहती है, उसी प्रकार अक्षर देरी की महिमा ऊपर ही उठती रहेगी। आप सब ठीक ही बोले। एक दिन सभी को इस अक्षर देरी पर शीश झुकाने आना ही पड़ेगा, क्योंकि अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी विश्वविख्यात होंगे, ये श्रीजी महाराज की आर्षवाणी है। अक्षर देरी सर्वश्रेष्ठ संत का सर्वश्रेष्ठ स्थान बनकर ही रहेगी। चलो भक्तों, यहां ठहरने का अब कोई मतलब नहीं है।